जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं। हरियाणा में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। दुष्यंत जी, आप तो आजाद पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं गठबंधन के साथ, लेकिन उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं हुआ। आप बीजेपी का साथ छोड़ के अपना स्वतंत्र चुनाव इस बार आपकी पार्टी लड़ रही है, क्या दिख रहा है अभी हरियाणा में? हरियाणा की परिस्थिति 16 तारीख के बाद और साफ होगी जब विड्रॉल हो जाए, मगर आज की परिस्थिति में जिस तरीके से सिरसा जिले को बीजेपी ने सरेंडर किया है, कांग्रेस के खुद के लोगों ने आरोप लगाया कि पैसों में टिकटें बिकी है, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय पार्टियों को लोग वोट देंगे। इस बार प्रदेश हित में प्रदेश के दलों को जनमत मिलेगा और जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, त्रिशंकु विधानसभा भी बनेगी और हरियाणा का भविष्य जो है वो जननायक जनता पार्टी की चाबी तय करेगी। तो आप कह रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी? क्योंकि त्रिशंकु विधान तो चुनाव शुरू हुआ है। हाँ, जी। माहौल तो आखिरी के 5 से 10 दिन बनता है, मगर आज ये जरूर कह सकता हूँ कि किसी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच अंतिम वक्त तक लगा कि गठबंधन होगा, कुछ सीटों पर बात बनेगी। कांग्रेस की तो स्ट्रेटेजी थी कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू को तोड़ के रख दे और वो उसमें कामयाब। तो कांग्रेस कौन जिम्मेदार है ज्यादा गठबंधन न होने के लिए? देखो, वो तो कांग्रेसियों से पूछो। आप ज्यादा हमलावर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कांग्रेस पे ज्यादा हमलावर हैं? जिस आदमी ने 10 साल हरियाणा प्रदेश के 63,000 एकड़ जमीन को लूटने का काम किया उसको कैसे भूलेंगे, जिसके राज में इंडस्ट्रीज छोड़ छोड़ के भागी, गोलियां चली, निर्दोष लोग मरे, उनको कैसे भूलें हरियाणा प्रदेश। बीजेपी में बहुत ही बगावत है, बहुत लोग बागी हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? टिकट बंटवारे से बहुत लोग नाराज हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों में बगावत है और बड़े लेवल की बगावत है, और मैं ये मानता हूँ टिकट बंटवारे के बाद जिस तरीके से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लोग निर्दलीय खड़े हुए हैं, ये अपने आप दिखाता है कि वो अपने संगठन को भी नहीं संभाल पाए, अपने लोगों को भी नहीं। नायब सिंह सैनी लाडवा चले गए, बहुत चुटकी ले रही है कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी, आप कैसे देखते हैं? नायब सैनी तो कटी पतंग है जी, और वो पतंग जाके लाडवा गिरी। जो आदमी 3 दिन पहले टिकट घोषणा के ये कह रहा था कि मैं करनाल नहीं छोड़ूंगा, उनकी पार्टी ने करनाल छुड़वा दी और आज लाडवा की जनता उनको हरियाणा छुड़वाने का काम। एक नाम बहुत चर्चा में है, वहाँ से आपकी पार्टी के विधायक हैं जुलाना, वहाँ से विनेश फोगाट, जिनकी दुनिया में ख्याति, उन पर बहुत हमला हो रहा है। विनेश फोगाट पे बीजेपी के लोग ब्रिजभूषण सिंह हमला कर रहे हैं और वो आपकी पार्टी के विधायक के खिलाफ चुनाव मैदान में, क्या देखते हैं प्रोस्पेक्ट, कैसे देख रहे हैं? एक चीज बोल सकता हूँ, खेल का दंगल अलग है, राजनीतिक दंगल अलग है। जो लड़ रहा है सबको शुभकामनाएं हैं, ये तो 22 दिन की मेहनत है, जो 5 तारीख के दंगल को कौन जीतेगा ये तय करेगा। ब्रिजभूषण सिंह हमला करे विनेश फोगाट पे, साजिश हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस ने साजिश करके विरोध प्रदर्शन कराया। चुनाव को एसोसिएशन की लड़ाई में क्यों ले जाना चाह रहे हो? आज के दिन चुनाव है, जनमत करती है। यहाँ कोई जुलाना का वोटर विनेश के विरुद्ध है? मुझे नहीं लगता। अमरजीत के विरुद्ध है? नहीं लगता। यहाँ कोई इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी नहीं है। ब्रजभूषण तो यूपी का है और वो भी यूपी के बिहार के लगे हुए तट का। हमारे यहाँ तो पार्टियों की लड़ाई होनी है और पार्टियों में जनमत जिस संगठन के साथ होगा वो जीतेगा। अंतिम सवाल करूँगा, पिछले चुनाव भी मैंने आपका कवर किया था जब आपकी पार्टी को अच्छी सीटें आई थी, आपकी पार्टी के लिए मूड क्या दिख रहा है इस बार? देखिए, क्योंकि अभी तो चुनाव का जो समय है वो बंधने वाला है। पिछली बार भी आखिरी 7 दिनों के अंदर हमारे माहौल बना और 10 विधायक जीते जी। और मैं मानता हूँ माहौल बनना शुरू हो चुका है। आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो एक गठजोड़ है युवाओं का, ये प्रदेश को एक मजबूत और अच्छी दिशा देगा। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत चौटाला। एक भविष्यवाणी जरूर कर दिया, कौन बड़ी पार्टी होगी अभी नहीं बता सकते, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा होगा ये तय है। और खेल की सियासत यहाँ नहीं हो रही, चुनावी सियासत हो रही, अगर विनेश फोगाट और जुलाना की बात करें।